पाकिस्तान के भविष्य पर एक अहम फैसला होना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये फैसला लेगी कि पाकिस्तान को क्या ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाए या नहीं। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने की संभावनाओं पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। बुधवार से जारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वर्चुअल मीटिंग में ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए अब तक क्या किया है। इस बार FATF ने किसी देश को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डालने के स्टैंडर्ड प्रोसीजर पूरे कर लिए हैं। जब किसी देश को FATF की ब्लैक या ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो उस देश को एक तय समय में दी गई एक्शन प्लान की एक लिस्ट को पूरा करना होता है। पाकिस्तान ने FATF एक्शन प्लान में दिए गए 27 में से 21 काम पूरे कर लिए हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लिए आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए बहुत सा काम बच गया है। आतंक पर लगाम कसने के लिए FATF की तरफ से दिए गए 27 में से बाकी बचे 6 काम पूरे करना पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी है। ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अब भी आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह मिली हुई है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की तरफ से खतरनाक बताए गए मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और जाकिर उर रहमान लखवी जैसे आतंकवादियों पर कार्रवाई होनी बाकी है। FATF बारीकी से पाकिस्तान पर नजर बनाए हुए है कि उसके बताए हुए कामों को पाकिस्तान कितनी तवज्जो दे रहा है, और ये मुद्दा FATF की जारी वर्चुअल मीटिंग में भी नापा तोला जा रहा है। FATF की बैठक आज यानी 23 तारीख तक जारी रहेगी और इसके पूरा होने पर FATF के फैसलों की घोषणा की जाएगी। पाकिस्तान ने FATF की ओर से बताए गए जिन 6 अहम कामों को अधूरा छोड़ दिया है, उसकी वजह से पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से बाहर आना नामुमकिन सा लग रहा है। साथ ही विरोध प्रदर्शनों की आग में जल रहा इमरान का पाकिस्तान फिलहाल FATF की ब्लैक लिस्ट की मार झेलने के काबिल ही नहीं बचा है। दुनिया भर में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए G7 देशों की पहल पर 1989 में FATF को बनाया गया था। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद से इसके जरिए आतंकी फंडिंग पर भी लगाम लगाना शुरू हुआ था। FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए दुनिया तक।